गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक सभा को संबोधित किया जिसमें वो बिल्कुल इंदिरा गांधी नजर आ रही थी। देखें प्रियंका गांधी का भाषण। श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, परेश धनानी जी, CWC के मेंबरान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती, आपसे दो शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं, और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहां इतनी तादाद में आए हैं, मैं दिल से आपको कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए, जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं, और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए। जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहां पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है, और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहाँ बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आजादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है, और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और इकट्ठे आगे बढ़ें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरा यहाँ स्वागत किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिंद।